हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव प्रत्याशियों की खोज के प्रयास तेज कर दिए हैं। उम्मीदवारों के चयन को लेकर पीसीसी में प्रदेश चुनाव समिति की पहली अहम बैठक हुई। करीब ढाई घंटे चली बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी चेयरपर्सन कुमारी शैलजा ने गहलोत, पायलट, सीपी जोशी सहित मौजूद तमाम नेताओं की दलीलें और राय सुनी। बाद में आखिर में उम्मीदवारों की घोषणा का अधिकार राहुल गांधी को देने का सिंगल प्रस्ताव पारित कर दिया। बैठक में गहलोत और पायलट ने किसी भी गुट से जुड़े होने पर टिकट पक्की मानने वाली गलतफहमी से बचने की नसीहत दी। विधानसभा चुनाव की तारीखों और चुनाव संचालन कमेटियों का गठन होते ही कांग्रेस ने उम्मीदवारों के चयन के काम की स्पीड तेज कर दी है। बंद कमरों की बैठक के बाद कांग्रेस ने अब ओपनली टिकटों के लिए एक्सरसाइज शुरू कर दी है। लिहाजा पीसीसी में सबसे पहले प्रदेश चुनाव समिति की पहली अहम बैठक हुई। करीब ढाई घंटे यह बैठक चली। बैठक में सबसे पहले सीनियर नेता अशोक गहलोत, सीपी जोशी, सचिन पायलट, रामेश्वर डूडी, मोहन प्रकाश जैसे नेताओं ने अपनी दलीलें, राय और पक्ष रखा। गहलोत और पायलट ने कहा कि टिकटों का वितरण तेरा या मेरा की तर्ज पर नहीं होना चाहिए, यानी कोई नेता यह गलतफहमी नहीं पाले कि मुझे किसी बड़े नेता की सिफारिश पर टिकट मिल जाएगी। टिकट कार्यकर्ता, मेहनती कांग्रेस और सड़क पर 5 साल संघर्ष करने वाले को मिलेगा। अगर वो जिताऊ होगा तो उसे जरूर मौका दिया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी चेयरपर्सन कुमारी शैलजा ने इत्मीनान से सबकी दलील सुनती रही। खुद शैलजा ने यह जरूर माना कि ज्यादा दावेदार यकीनन एक चुनौती है। जयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।